कहा है कि मैनेजमेंट मान रहा है कि अगले दशक में यानी अगले 10 साल में जो है डबल डिजिट ईपीएस ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसको चलते ही ब्रोकरेज हाउस का जो भरोसा है हल्का बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि सीएलएस ने जो है रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, खरीदारी की राय से आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और जो लक्ष्य 2850 से बढ़ाकर 3070 रुपए कर दिया है। 2810 के आसपास की गुरुवार की क्लोजिंग है। वहीं जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं 2850 रुपए के लक्ष्य के लिए। मैकवारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 3100 रुपए के लक्ष्य के लिए और नोमेरा खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 2950 रुपए के लक्ष्य के लिए। जोमैटो पर लगातार ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती हैं। यहाँ पर क्रेडिट स्विस ने जो है आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है। 142 की गुरुवार की क्लोजिंग है, 185 रुपए का लक्ष्य दिया उन्होंने और मान रहे कि जो डोर डैश है इसके मुकाबले ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बढ़िया नजर आ रहे हैं। 30% सीएजीआर की ग्रोथ का अनुमान लगा के चल रहे हैं जिसके चलते इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ पर नजर रखेगा, जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 3300 रुपए के लक्ष्य के लिए, 3300 रुपए के लक्ष्य के लिए इसे बरकरार रखा है और ये मान रहे हैं कि जिस प्रकार से हाउसिंग ग्रोथ में एक बढ़िया रिवाइवल देखने को मिला है, बिक्री बढ़िया देखने को मिल रही है, ये मान रहे हैं इसका एक बड़ा बेनिफिट आगे जाके देखने को मिलेगा। भारतीय एयरटेल सीएलएसई की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 825 रुपए के लक्ष्य के लिए, 686 जो है क्लोजिंग है और ये मान रहे कि डेटा कंजम्पशन में अगर आप देखें तो करीब 57% की बढ़त देखने को मिली है और मान रहे कि आरपीयूज में भी आगे जाकर बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर रखेगा क्योंकि जियो फोन का जो लॉन्च है डिले कर दिया गया, इसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने ओवरबिट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2270 रुपए के लक्ष्य है, हालांकि 2425 की जो है क्लोजिंग है। डॉक्टर रेड्डीज पर नजर रहेगी, ओवरबिट की रेटिंग को बरकरार रखा है मॉर्गन स्टैनली ने 5860 रुपए के लक्ष्य लिए। टाटा पावर पर फोकस रहेगा, यहाँ पर मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य है, 133 की क्लोजिंग है, 101 रुपए का लक्ष्य है। ये कह रहे हैं कि जो लोधा के साथ इन्होंने ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए पार्टनरशिप किया है ये बढ़िया मूव है, लेकिन स्टॉक में फिलहाल अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस महंगे जिसके चलते इन्होंने जो है अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। और अंत में एक्सिस बैंक यहाँ पर नजर रखेगा, सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 790 रुपए की क्लोजिंग है, 925 रुपए का लक्ष्य दिया है। ओके।